देवास में मेंढकी रोड पर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी तथा विधायक गायत्री राजे पवार के मुख्य अतिथि में हुआ। सांसद सोलंकी और विधायक श्रीमती पवार ने फीता काटकर और पूजा अर्चना कर ब्रिज का लोकार्पण किया। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण भी हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, रवि जैन, ओम जोशी, बहादुर मुकाती, राजेश यादव, संजय दायमा, दुर्गेश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण के अधिकारी एसके अग्रवाल, रेलवे के इंजीनियर प्रशांत नायक, पीडब्ल्यूडी अधिकारी मनीष मरकाम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सांसद सोलंकी ने कहा कि विकास कार्य हमारी पहली प्राथमिकता है। देवास में निरंतर विकास कार्य हो, यही हमारा लक्ष्य है। आज 20,44,60,000 रुपए की लागत से निर्मित ओवरब्रिज का लोकार्पण हुआ है। देवास में भी और निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनका लोकार्पण भी शीघ्र होगा। केंद्र और राज्य सरकार विकास की गंगा बहा रही है, देवास को भी इसका लाभ मिल रहा है। ये जो ब्रिज है आज शुभारंभ किया गया, क्या कहना है? पश्चात लगातार के लिए शरत थे कि कोई बड़े मंत्री जी यहाँ पर आएँ और इसका अर्पण करें, ताकि उनके यहाँ आने से देवास को एक सौगात और मिले। परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई हैं कि इसका लोकार्पण कार्यक्रम हमें किसी बड़े मंत्री जी की अनुपस्थिति में करना पड़ा। देवास की जनता को, आशीर्वाद दाताओं को इसके लोकार्पण के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। निश्चित रूप से ब्रिज हमारे देवास की प्रगति में और गति लाएगा। ये देवास को देवास से जोड़ने वाला ब्रिज है, दिल को दिल से, मन को मन से जोड़ने वाला ब्रिज है। इस ब्रिज के बनने के पश्चात जिस प्रकार की असुविधाएं यहां पर देखने को मिल रही थी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लगभग 50 कॉलोनी के लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पूरे देश में विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, उसी श्रृंखला में इस ब्रिज का लोकार्पण कार्यक्रम आज संपादित किया गया है। मैं देवास के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत बहुत बधाई।